उदाहरण 9। आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा कोण ओ पी आर बराबर 30 अंश तथा कोण ओ क्यू आर बराबर 40 अंश है, तब कोण पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए। हल। सबसे पहले हम त्रिभुज पी ओ क्यू में देखते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में हम यहाँ देखते हैं कि ओ पी और ओ आर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ पी बराबर ओ आर, और कोष्ठक में हम लिखेंगे एक ही वृत्त की ये दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की ये दोनों त्रिज्याएं हैं। इस तरह से हमने देखा कि OP और OR का की लंबाई बराबर है क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए यहाँ पर कोण OPR जो है और कोण ORP की जो मान है वह 30 अंश होगा, क्योंकि यहाँ पे OP और OR रेखाखंड बराबर है, OP और OR त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो त्रिभुज के दो बराबर भुजाएं वाले त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे ओ पी आर और ओ आर पी का मान इसीलिए 30 अंश होगा क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज के कोण आपस में दो कोण बराबर होते हैं, और ये दो कोण हमारे कोण ओ पी आर और कोण ओ आर पी है। इसी प्रकार त्रिभुज हम ओ क्यू आर में लेंगे। ओ क्यू आर में देखेंगे हम यहाँ पे जो कोण है ओ क्यू आर और कोण ओ आर क्यू जो है वह 40 अंश का है, क्योंकि ये भी आपका त्रिभुज ओ क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज के कोण है, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण का मान बराबर होता है। कोण ओ क्यू आर बराबर कोण ओ आर क्यू बराबर 40 अंश है, अतः कोण पी आर क्यू बराबर कोण ओ आर पी धन कोण ओ आर क्यू। अब हमने ओ आर पी का मान कोण ओ आर पी का मान 30 अंश ज्ञात किया है, 30 अंश यह हुआ धन कोण ओ आर क्यू का मान हमने 40 अंश ज्ञात किया। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि कोण पी आर क्यू का मान 30 अंश धन 40 अंश बराबर 70 अंश होगा, इसीलिए कोण पी ओ क्यू जो है वह होगा दो गुना, पी ओ क्यू जो होगा वह दो गुना होगा पी आर क्यू से, क्योंकि हम प्रमेय में जानते हैं, हमने प्रमेय में देखा है के की केंद्र पर बना कोण शेष खंड में बने कोण का दुगुना होता है।
तो हमने देखा कि केंद्र पर बना कोण शेष खंड में बने कोण का दुगना होता है। ये प्रमेय से हमने कहा है, लिखा है कि कोण पी ओ क्यू का मान जो है दो गुणा कोण पी आर क्यू के मान के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू बराबर दो, हमने पी आर क्यू का मान 70 अंश ज्ञात किया है। ऊपर में हमने कोण पी आर क्यू का मान 70 अंश ज्ञात किया है, तो दो गुणे 70 अंश बराबर 40 अंश। इस तरह से हमने कोण पी ओ क्यू का मान बराबर 70 अंश गुणे दो 140 अंश, कोण पी ओ क्यू बराबर दो गुणे 70 अंश बराबर 140 अंश। इस तरह से हमने कोण पी ओ क्यू बराबर 140 अंश प्राप्त किया। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 140 अंश या इस उदाहरण का हल होगा।